जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, हमने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये बताया गया ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया गया कि उसने इलेक्ट्रॉन गन ली, इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन की बीम को वेव माना, और वेव से उसने क्या किया, एक सिंगल स्लिट ली, स्लिट में से उसने इस वेव को पास किया और सामने स्क्रीन ली, स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन आ गया। जैसे YDSC में ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पैटर्न था, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इसने क्या किया, सेम वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना लगा के दिखाया और कैसे सिंगल स्लिट के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न रिंग्स आई थी, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे पैटर्न बना था। अब तो ये पक्का मानना पड़ा कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएशंस, यानी कि इलेक्ट्रो रेडिएशन मीन्स वेव की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो वेव नेचर एग्जिबिट करता है, ये पता होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट में यही बताया हुआ है, बस कैसे किया वो सिलेबस में नहीं है, बस ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उसने ये बताया कि जीपी थॉमसन वॉज एबल टू ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया गया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 से 50 किलो वोल्ट और एक प्लेटिनम फॉइल के ऊपर इंसिनेट करवाया जो सूटेबल थी इसके लिए। तो एमर्जेंट बीम इज रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्रैक्टेड एट अ स्पेसिंग बिटवीन रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टल ऑफ थिन फॉइल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और सर्कुलर पैटर्न को बनाया गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की बीम वेव नेचर शो करती है, ये इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें।